मतदाता जागरूकता अभियान के तहत सिविक सेंटर भिलाई में फ्लैश लाइट मार्च निकालकर अधिकारी कर्मचारियों ने सारे काम छोड़ दो, सबसे पहले वोट दो का नारा बुलंद किया। निगम भिलाई द्वारा जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्देश पर स्वीप कार्यक्रम अंतर्गत बुधवार की शाम सिविक सेंटर में एकत्र हुए अधिकारी कर्मचारी समाज सेवी संस्था तथा आम नागरिकों ने अपने मोबाइल का फ्लैश लाइट जलाकर रैली निकाली और लोगों को आगामी लोकसभा चुनाव के मतदान 7 मई को अपने घर से निकलकर मतदान करने की अपील की। रैली में शामिल लोगों ने अपने हाथ में मतदान करने हेतु विभिन्न स्लोगन लिखे तख्ती लेकर चलते रहे। रैली सिविक सेंटर का भ्रमण करते हुए पार्किंग स्थल के पास गोल घेरे में खड़े होकर सभी ने बिना भेदभाव जाति पंथ से ऊपर उठकर निर्भीक होकर लोकतंत्र की मजबूती के लिए मतदान करने की शपथ ली। जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्देश पर और आयुक्त महोदय ने एक प्लान किया है कि नगर निगम भिलाई सीमा क्षेत्र में, क्योंकि भिलाई नगर विधानसभा और वैशाली नगर विधानसभा दो क्षेत्र समाहित हैं, इसलिए सबसे अधिक मतदाता जागरूकता का कार्यक्रम नगर निगम क्षेत्र में आयोजित किया जा रहा है। पिछले दिनों फुटबॉल मैच प्रशासन 11 नागरिक 11, उसके बाद फिर क्रिकेट मैच प्रशासन 11 नागरिक 11 के बीच खेला गया और कल एक जागरूकता रैली सिविक सेंटर में आयोजित किया गया था, जिसमें सभी नागरिक लोग, समाज सेवी संस्था और अधिकारी कर्मचारी भाग लेकर मोबाइल का फ्लैश लाइट जलाकर लोगों के संदेश दिए हैं, नारा लगाकर कि आने वाले 7 तारीख को होने वाले सामान्य लोकसभा निर्वाचन 2024 के लिए मतदान दिवस के दिन अपने घर से निकलें और 100% मतदान दुर्ग जिला में एक रिकॉर्ड दर्ज करवाएं, इसका अपील लोगों से किया गया। इस मतदाता जागरूकता रैली में जोन आयुक्त अमिताभ शर्मा सहित आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, सामुदायिक संगठिका, आर्ट ऑफ लिविंग के प्रशिक्षक तथा आम नागरिक शामिल हुए। एसीएन न्यूज के लिए संतोष शर्मा की रिपोर्ट।